हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडीबीएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर रिसोर्सेज जो चैप्टर था, जो रिमेनिंग रह गया था, आज हम उसको कंप्लीट इस स्लाइड में या फिर इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स देखो, हमने चीज़ें देख ली थी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू उनके डेवलपमेंट के एक्चुअल एंड पोटेंशियल, बोथ रिसोर्सेज को हमने एक्सप्लेन कर लिया था। अब देखो हमें क्या चीज़ पढ़नी थी, ओरिजिन के अकॉर्डिंग एबायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। स्टूडेंट देखो, उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स है नेचुरल रिसोर्सेज के, देन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज के टाइप कौन कौन से हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, ओरिजिन के अकॉर्डिंग एबायोटिक रिसोर्स किन रिसोर्सेज को बोलते हैं, किनको बोलते हैं, एक लाइन में डिफाइन करेंगे, नॉन लिविंग। ओके, क्या होंगे, नॉन लिविंग। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक रॉक है, ठीक है, रॉक सही है, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए छोटे छोटे, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। सो दे आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, दे आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब एबायोटिक रिसोर्सेज हमने देख लिया, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, बायोटिक रिसोर्स। जस्ट अपोजिट क्या होगा इसका, बायोटिक रिसोर्स। ओके, देखो क्या है, लिविंग, जो लिविंग है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंडस्केप पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग फल फ्रूट्स के हैं, तो ये सारे क्या हो गए, लिविंग हो गए, तो वो क्या होंगे, बायोटिक रिसोर्स होंगे, बायोटिक रिसोर्सेस होंगे। नाउ टाइप ऑफ रिसोर्सेस देख लिया हमने, कौन कौन से होते हैं, बट किसके अकॉर्डिंग देखना है अब हमें, स्टॉक के अकॉर्डिंग, कि जो स्टॉक अवेलेबल है हमारे रिसोर्सेस का वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हो गया रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी देखो इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप लोगों को दिख रही होगी, विंड, सन, वाटर, बायोमास, सोलर, सॉइल, इन सब चीजों में क्या कॉमन है, कॉमन चीज ये है कि दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। बट यहाँ पे देखो, जो विंड है एंड जो सन रेज है, दे आर अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाई, बिकॉज देखो, अगर हम सोलार यूज करते हैं, हम सन रेज में कितने भी सोलार से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ले तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली। बट जो सॉइल है और जो वाटर है, ठीक है, बायोमास है, जैसे बोला जाता है ना कि पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधों को मत काटो, सॉइल डिग्रेडेशन को बचाना चाहिए, सॉइल को बचाना चाहिए, ज्यादा पानी के फ्लो में या फिर वाटर फ्लो में नहीं बह के जाने चाहिए, या फिर वाटर वेस्ट मत करो, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि है तो ये नेचुरल रिसोर्सेस बट ये अनलिमिटेड नहीं है, ये क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, इनका जो स्टॉक है वो क्या होगा, धीरे 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 अगर हम इनका ओवर यूज करेंगे, ठीक है, इनका वेस्टेज करेंगे, तो इनका जो स्टॉक है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में, देखो रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को रिन्यू होना, एक बार यूज कर ली तो हम वापिस से उसको रिन्यू कर सकते हैं यूज करने के लिए। तो ये रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको वापिस से रिन्यू करने में क्या लगेगा, काफी टाइम लगेगा। Some of these are unlimited, wind, sun, and are not affected. मतलब इनके ऊपर human activities का कोई भी effect नहीं होता, कोई भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता students. तो क्या बोला गया है कि ये जो unlimited resource है, unlimited wind and sun, human activities का इनके ऊपर कोई भी effect नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। येट केयरलेस यूज ऑफ, मतलब किनका, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, ओके, जिनको रिन्यू होने में काफी ईयर्स टाइम लग जाता है, तो उनका केयरलेस यूज क्या होगा, सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, मतलब उनके स्टॉक को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उनका इफेक्ट पड़ेगा उनके स्टॉक के ऊपर, ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट पड़ेगा उनके स्टॉक के ऊपर। अब कैसे इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगर हम वाटर को वेस्ट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे वो वाटर की जो है क्या होती जाएगी, जैसे अभी क्या चल रहा है, ये चीज चल रही है ना, काफी जगह जहां पे पहले बहुत हैवी रेनफॉल होता था, वहां पे रेनफॉल का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, काफी कम हो गया, तो यही इफेक्ट फ्यूचर में इन सब चीजों का पड़ेगा अगर हम इन रिसोर्सेज का क्या करेंगे, केयरलेस यूज करेंगे। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देखो वाटर क्या लगता है कि एक ये क्या है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों लगता है, क्योंकि देखो वाटर का क्या, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया ये वाटर, लेकिन हमको क्या लगता है कि अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता चलेगा कि उसका इफेक्ट अभी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, बट फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनको इसका सामना
जरूर करना पड़ेगा। तो देखो वॉटर का क्या नहीं करना चाहिए, हमें केयरलेस यूज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखो कैसे पानी निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे क्या शॉर्टेज है, किसकी शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज है। बहुत सारे एरिया ऐसे है जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे पहले वाटर रेनफॉल होती थी, वाटर था, बट अभी वहां पे इतना अमाउंट में वाटर प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज के टाइम में संसार में या वर्ल्ड में ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो वाटर है जहाँ पहले प्रेजेंट हुआ करता था, बट अब वहाँ पे उस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। कहीं जगह पे सूखा पड़ा हुआ है, कहीं शॉर्टेज है, लोगों को पीने के लिए भी अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। देखो एक्चुअल हमने देख लिया, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हमने दोनों देख लिए, सॉरी नॉन रिन्यूएबल हमने अभी नहीं देखे, अभी नेक्स्ट करेंगे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखो नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, रिप्लेनिश्ड नहीं किया जाता। रिप्लेनिश्ड मतलब क्या होता है, किसी कोई चीज़ खाली हो गई है तो उसको वापस से भरना, रिप्लेनिश्ड बोला जाता है। बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। आपके पास एक इतना लिमिट में दे दिया गया, भाई आपके पास एक पर्टिकुलर चीज़ है, इसकी 5 यूनिट है, तो आप उसको 5 यूनिट को ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक बार जब वो 5 यूनिट हो जाएंगी तो ये थोड़ा ना जादू से आपके पास फिर से आ गई भाई, ठीक है। तो क्या है इनका स्टॉक, क्या है, लिमिटेड स्टॉक है। अब जैसे गैस हो गया, कोयला हो गया, कोल हो गया, ये चीज़ें क्या है, एक बार यूज़ होगी तो क्या एट अ टाइम पे वापस से आ जाएंगी नेक्स्ट डे, नहीं आएंगी। मैनी ईयर्स ऑफ एगो मतलब काफ़ी सालों लग जाते हैं, अरबों सालों, लाखों सालों इनको लग जाते हैं बनने में, ठीक है। बट इतनी एक ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन जो एक ह्यूमन लाइफ है वो इतनी नहीं है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते। वंस द स्टॉक्स आर एग्जीक्यूटेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यू और रिप्लेनिश्ड, मतलब एक बार जब ये ख़त्म हो गए तो इनको रिप्लेनिश्ड होने में, इनको वापस से बनने में, भरने में कितना टाइम लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ओके, कौन कौन सी चीजें, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सिंस दिस पीरियड इज मच मोर। अब जो ये बोला गया ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, तो ये जो टाइम है ये एक जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पेन है, मतलब 60 to 65 होती है ना आजकल इतनी, भाई वैसे तो देखो किसी का कोई भरोसा नहीं है, बट एक नॉर्मल अगर हम ह्यूमन लाइफ स्पेन मान के चले तो 60 to 65 है, तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा है। तो सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन, तो इसलिए हम इन रिसोर्सेज को किस में कंसिडर करते हैं, किस में इंक्लूड करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, यूबिकेटस होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। अभी यूबिकेटस कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा एक कोई एग्जाम्पल सोचो माइंड में, गुड, आप लोगों ने सही सोचा, एयर। एयर एक ऐसा रिसोर्स है जो हर जगह प्रेजेंट है। ओके, ऐसी कोई जगह नहीं आज पे जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम देखो सांस लेते हैं एयर के, एयर में ही तो प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, तो हम सांस लेते हैं, मतलब एयर हर जगह प्रेजेंट है। लोकलाइज क्या हो गया, लोकलाइज का मतलब हो गया कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर जगह पे। जैसे देखो आयरन मान लेते हैं, आयरन ओर क्या मेरे घर के बाजू में मिल सकता है, ऑब्वियसली नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस है कि हाँ वो इस जगह पे मिल सकता है, ये नहीं कि कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। अब देखो ये आयरन ओर है, दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन। ओके, एक कुछ सर्टन प्लेसेस पे ही अवेलेबल होते हैं ये, ना कि हर जगह अवेलेबल होते हैं एयर के जैसे। अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्या बताया गया था, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेज बांटे गए हैं, वो बहुत अनइक्वल है हमारे अर्थ पे। ओके, एग्जांपल के तौर पे हमारा इंडिया का मैप देखते हैं, जो ये ग्रीन ग्रीन एरिया है ये किसका है, प्लेन्स का एरिया है। ओके, बट जो ये देखो ब्राउनिश एरिया है ये क्या, माउंटेन्स है। एंड जो ये येलोइश एरिया है जितना भी है ये प्लेटू है। तो क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि इस इंडिया के मैप को देख के आप लोगों को लग रहा है कि इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इनकी मेजरमेंट सबकी इक्वल होगी, सपोज ये 5 है, ये भी 5 है, क्या इस टाइप का कुछ होगा, नहीं, इस टाइप का नहीं है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो हर जगह पे अनइक्वल है। अभी देखो अनइक्वल होने के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से अनइक्वल है। देखो बच्चों, फर्स्ट हमारा टेरेन, टेरेन का मतलब होता है लैंड। जैसे किसी जगह पे जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा,
समर होगी ज़्यादा, पानी कम होगा, तो वहाँ पे रिसोर्स क्या होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। नेक्स्ट हो गया क्लाइमेट। क्लाइमेट जैसे क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, तो वहाँ पे एयर कैसी प्रेजेंट होगी, गर्म एयर होगी वहाँ पे, राइट। तो जैसे क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के रिसोर्सेज, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाते जो एयर होती है वो कम होती जाती है, इसलिए तो जो माउंट एवरेस्ट पे जो लोग चढ़ते हैं उनको जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे फील होती है, ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइट एल्टीट्यूड किस मतलब क्या होता है, हाइट, ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का वो क्या है, हर प्लेस पे, हर जगह पे क्या है, अनइक्वल है। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होते हैं, एंड ह्यूमन को हम एक रिसोर्स क्यों बोला जाता है, एंड हम रिसोर्सेस को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स देख लिया, डायरेक्ट नेचर से लेते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स, ध्यान से सुनना, ऐसे रिसोर्सेस, ठीक है, जिनका क्या करते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो नेचर से एक्सट्रैक्ट करके किसमें कन्वर्ट करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने यूज के लिए उसको किसी यूजफुल थिंग्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, अपने एफर्ट्स लगा के, अपने नॉलेज डाल के, अपने आइडियाज, अपने इन्वेंशन के बेस पे, उनके आधार पे, ओके। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हम किन को बोलेंगे, समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली वेन देयर ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है वो उनकी जब चेंज हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ओके। अब यहाँ देखो ये क्या है, आयरन ओर है, मतलब ये नेचर से जैसा निकला था ये उस फॉर्म में, बट इसको कन्वर्ट कर दिया, ये एक टाइप क्यों बना दिया ना, इसको पिघला के इस टाइप से, पहले इसकी शेप देखो क्या थी, अब देखो इसकी शेप क्या है, तो इसकी शेप जैसी थी उससे चेंज हो गई ना, तो जैसा नेचर ने हमको गिफ्ट फॉर्म में दिया था अब वो वैसा नहीं है। इसमें ह्यूमन ने अपना माइंड यूज़ किया, अपनी नॉलेज यूज़ की, अपने इन्वेंशन टूल्स टेक्नोलॉजी एंड अपने एफर्ट्स, अपने ब्रेन का यूज़ किया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ अब जो आयरन जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में आता है, आयरन बनाया गया है उसको नेचर से एक्सट्रैक्ट करके, तो उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, बिल्डिंग्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, रोड, मशीन, ब्रिजेस बनाने में, इन जगह पे पीपल्स यूज नेचुरल रिसोर्सेस टू मेक क्या क्या, ये सारे चीज़ें बनाने में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। अब जैसे प्रेजेंट होते हैं नेचर में वैसे तो उठा के इनका यूज नहीं करते, तो उनके ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म जैसे ही चेंज हो गई वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन किसमें हो गया उसका, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। नाउ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, ह्यूमन्स ने बनाई है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे, क्योंकि इसमें ह्यूमन ने क्या लगाया, अपना माइंड लगाया है, अपने इन्वेंशन, अपना अपने जो नॉलेज है उसका यूज किया, अपने स्किल्स का यूज किया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल को क्या बोलते हैं, लोगों के क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ, अभी हम इनको ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं, ठीक है। मेरे को ये पेन ला के दे दिया कि आपको मैंने पेन दिया, ठीक है, कोई एक पेन ला के दे दिया, अब मैं अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने इन्वेंशन से, या जो जिन चीज़ों पर मैंने रिसर्च किया उनके बेस पे, उनके आधार पे मैं सोचूंगी कि इस पेन का यूज़ मैं कहाँ कहाँ कर सकती हूँ, पढ़ाने में इसका यूज़ कर सकती हूँ, या फिर इसका लिखने के लिए मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। तो मतलब ह्यूमन क्या करते हैं, जो प्रेजेंट रिसोर्स है उनको बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उनको बेस्ट वे में किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, उनका जो कन्वर्जन वो लोग करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है कि वो अपने स्किल्स का, अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज है उनका, अपनी नॉलेज का यूज़ करके क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल, उनको किस में कन्वर्जन करते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में उनका कन्वर्जन करते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं इसलिए कि जो ह्यूमन है उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, पीपल को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, मतलब अपनी नॉलेज के बेस पे वो एक रिसोर्स से कई उसके यूज बता सकता है कि इसका पर्टिकुलर कहाँ बेस्ट हम यूज कर सकते हैं, या एक रिसोर्स से कई रिसोर्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास नॉलेज होती है, स्किल होता है एंड टेक्नोलॉजी होती है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स, इसलिए बोला गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक स्पेशल टाइप के रिसोर्सेस हैं। नाउ अभी देखो
जो ह्यूमन है, ह्यूमन को स्पेशल रिसोर्स बनाने में किन दो फैक्टर्स का योगदान है? कौन से दो ऐसे मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होता है? देखो, फर्स्ट है एजुकेशन, ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ। अभी एजुकेट होने के लिए कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हो है, यूजेबल है, यूटिलिटी है उसकी, उसकी वैल्यू भी पे करनी पड़ती है। हेल्थ के लिए देखो, हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर है, डॉक्टर की डिग्री लेगा तो पहले कहीं ना कहीं एडमिशन लेगा, उसके ऊपर रिसर्च करेगा, डॉक्टर बनेगा, स्टडी करेगा, एजुकेट होगा, उसके बाद ही तो डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। तो ये क्या होते हैं हमारे लिए? ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस बनाने में जो हेल्प करते हैं फैक्टर्स, वो कौन से होते हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन। नाउ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, जो लोगों के पास स्किल है उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनको ट्रेन करके, उनको ट्रेनिंग देके। तो देखो क्या बोला गया है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, मतलब उनकी स्किल्स को इतना इम्प्रूव करना, उनको ट्रेनिंग देना टाइम टू टाइम, जिससे उनकी स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होंगी, इम्प्रूव होंगी, और उसकी वजह से वो एक प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, क्रिएट मोर रिसोर्सेज, एक रिसोर्स की हेल्प से वो दो रिसोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? HRD। HRD का मतलब क्या हुआ? जो ह्यूमन के पास स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना, ताकि वो मोर रिसोर्स क्रिएट कर सकें, उसी चीज को क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कंजर्विंग रिसोर्स। अब जो हमारे पास कंजर्विंग रिसोर्सेस, जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं? अब आप लोग बोलोगे, मैम हमको बचाना क्यों, हमारी तो इतनी सी लाइफ है, हम तो उनका यूज करेंगे बेस्ट वे में। देखो, अपने बारे में नहीं सोचना, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमें उनके बारे में भी सोचना है कि एक कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है। सपोज हम वाटर ले लेते हैं, आज हमको पता है कि अगर वाटर की शॉर्टेज होती है तो हमें उसके बिना सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। तो सेम यही इफेक्ट कहाँ, यही कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? फ्यूचर में पड़ेगा। अगर हम वाटर का केयरलेस यूज करेंगे तो आने वाले जनरेशन को विदाउट वाटर के कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोच के हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। किसमें? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसको उतनी ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक और डेफिनेशन आ गई क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होगा? जो हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनको बैलेंस करना, देन उनको कंजर्व करना, किसके लिए? फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ अभी देखो, कंजप्शन एंड रिसाइक्लिंग एंड रीयूजिंग, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? दे आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेस। इनकी हेल्प से हम रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को रीयूज करके, रिसाइकल करके, या फिर रिड्यूस किसी चीज़ का कंजम्पशन रिड्यूस करके। लाइट, फालतू हमने लाइट को वेस्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हमने फालतू वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगी, वो एक उसका स्टॉक धीरे धीरे होना क्या हो जाएगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके, हम ओवर यूज़ ना करें, हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन उन चीज़ों के बिना उनको सर्वाइव ना करना पड़े, उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। That's all for today. आज के क्लास में हमारा इतना ही, हमारा जो चैप्टर है रिसोर्सेस वो हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। एंड एक चीज़ और, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना भी मत भूला करें, उस चीज़ में कंजूसी मत किया करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।